मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प खबरें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, किस फिल्म ने कितनी कमाई की, यह सब जानने को हर कोई एक्साइटेड रहता है। तो इसी तरह की कुछ एंटरटेनमेंट से भरपूर दिन भर की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ तापसी पन्नू मना रही है रोमांटिक हॉलीडे। अपनी फिल्म डंकी की अपार सफलता के बाद तापसी पन्नू इन दिनों वैकेशन पर है और अपने वैकेशन से जुड़ी एक दिलचस्प वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि केरल कुछ पिछले जन्म का नाता है हमारा। बता दें कि तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियास बो हैं, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं और तापसी उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एयरपोर्ट पर भीड़ से घिरे अभिनेता बॉबी देओल फिल्म एनिमल में अपनी एक्टिंग का एक बार फिर लोहा मनवा चुके फिल्म अभिनेता बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग अचानक बढ़ गई है। इसी वजह से जब वह मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हर कोई उनके साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करने लगा। बॉबी के साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन बॉबी ने काफ़ी कूल अंदाज में सबको हैंडल किया और अपने फैंस के साथ जमकर फोटो खिंचवाई। मनोज वाजपेयी ने पूछा, कल रात सपना आया था क्या? अभिनेता मनोज वाजपेयी की बिहार के चंपारण जिले से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा था कि वह विपक्ष गठबंधन इंडिया अलायंस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एक न्यूज़ वेबसाइट ने भी यह खबर पोस्ट की थी, जिसके बाद मनोज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट को शेयर करते हुए इन अफवाहों को खारिज कर पूछा है कि अच्छा यह बताइए कि यह बात किसने बोला या कल रात सपना आया, बोलिए बोलिए। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, अपने चहेते स्टार्स का फर्स्ट लुक देख खिल उठे फैंस। फिल्म डायरेक्शन के बाद ओटीटी पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे डायरेक्टर रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसका ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस इसकी तारीफ के कसीदे गढ़ने लगे हैं और यह ट्रेलर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। इसका ट्रेलर खूबसूरत डायलॉग और एक्शन सीन से भरा हुआ है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय दिखाई दे रहे हैं। इस वेब सीरीज में दिल्ली के तीन पुलिसकर्मियों की कहानी दिखाई दे रही है, जो ताकतवर आपराधिक ताकतों का डटकर सामना करते हैं। बिना शादी मां बनने पर यह बोली इलियाना डिक्रूज। अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज इन दिनों लाइमलाइट से दूर US में रह रही है। पिछले साल इलियाना ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद पहली बार इलियाना ने अपनी फैमिली और पार्टनर के बारे में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहती है, जिंदगी में थोड़ी मिस्ट्री जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही इलियाना ने कहा कि मैं अपने बारे में कई बातें हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर या फैमिली के बारे में कुछ कहे तो मैं किसी की बकवास हरगिज सहन नहीं कर सकती। इलियाना के सोशल मीडिया हैंडल पर उनके बेटे की क्यूट सी ढेर सारी फोटोज मौजूद है।